हेलो स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ 9th क्लास। तो फर्स्ट सम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको पहले बता चुका हूं ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। y, जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y की वैल्यू हमें अलग अलग मिलती जाएगी। अब हम करते हैं सेकंड सम। यहां पर है सेकंड सम, कहता है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 7, तो आपके इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। सो हम देखेंगे यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 7 माइनस y अपॉन 2। तो जैसे जैसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। ये यहां से आया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम रखते हैं 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.5, y की वैल्यू रखते हैं 1, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू रखते हैं हम 3, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू रखते हैं हम 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते थे, हमने 4 ली। तो इस प्रकार से आप बचे हुए पार्ट्स भी कर सकते हैं। सपोज सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं आज। तो सेकंड पार्ट में जो x बराबर है वो 9 माइनस y अपॉन पाई, तो y की वैल्यू पुट करते जाएंगे x की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन पाई, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन पाई, 2 रखते हैं तो 7 अपॉन पाई, ठीक है ना, y की जगह पर। इस तरीके से फोर्थ ऐसे जितनी भी वैल्यू रखते जाएंगे वैल्यू मिलती जाएगी। हो सकता है इसके सॉल्यूशन में कुछ और आंसर हो, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। इससे कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये जो है x इज इक्वल टू 4y, तो यहां पर रख देंगे x इज इक्वल टू 4y और y, तो y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x इज इक्वल टू मिलता जाएगा। तो y की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें 0 मिलती है, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 4, y वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 12। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस सेकंड सम मैं कर चुका हूँ।
उसके बाद हम करते हैं थर्ड सम। जो थर्ड सम है वो क्या कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं चेक करना कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हमें सॉल्यूशन चेक करना है तो उसमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू टू, तो जो पहली वैल्यू है उसको x की मानेंगे, दूसरी वैल्यू को y की। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर x की जगह पर जीरो पुट कर दी, y की वैल्यू टू पुट करने से फोर आ गया और इज इक्वल टू फोर। लेकिन हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्व करके, ठीक है, इधर जो LHS है उसमें I है माइनस फोर और RHS में है फोर, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं। अब हम इसको पुट करके देख रहे हैं ये वाली वाली, तो बिल्कुल x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर। उसके बाद में टू माइनस टू इंटू जीरो इक्वल टू फोर, टू इधर LHS में टू आया है और RHS में फोर, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है। चलो अच्छी बात है, हम देखते हैं फिफ्थ, बाकी तुम करके देखना। फिफ्थ करते हैं, तो जैसे हम फिफ्थ करते हैं तो x माइनस टू वाई इजकल टू फोर, तो वन माइनस टू इंटू वन टू फोर, माइनस वन इजकल टू फोर, बिल्कुल यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। बाकी तुम करके देख लेना। अब फोर्थ सम है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ एक्स इजकल टू टू वाई इजकल टू वन, और इस इक्वेशन में पता नहीं है, तो सिंपल सी बात है टू इंटू एक्स की जगह पर टू रख दिया प्लस थ्री इंटू वाई की वैल्यू वन रख दी, तो उत्तर इक्वल टू के है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा सेवन इजकल टू के। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।